सो बेसिकली पहला जो रहता है कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट, जो कि आज का पहला टॉपिक है, पहला सब टॉपिक आप बोल सकते हैं इसके अंदर, कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट। तो मतलब अगर कोई भी एक टर्म मान लो आपका स्क्वायर रूट, मतलब जो रहेगा आपका एक्सप्रेशन वो स्क्वायर में रहेगा। और हम मोनोमियल पहले, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, ठीक है। तो मान लो कि आपका जो टर्म है वो एक स्क्वायर है, ठीक है। और अगर आप इसका क्या करने जा रहे हो, स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हो, तो मैम बोलेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ एक स्क्वायर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अब देखो अगर हम एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक्स स्क्वायर आएगा, और माइनस एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक्स स्क्वायर आएगा। तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मतलब एक दो बार एक्स स्क्वायर करने से क्या आएगा, सिर्फ एक्स भी लिख सकते हैं और माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कैन बी डिनोटेड एज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड इसको हम एक्स और माइनस एक्स दोनों ही कंसिडर करते हैं। बट हम क्या करेंगे, हमारा जो बेसिकली डिस्कशन है ये बेसिकली पॉजिटिव में सीमित रहेगा, मतलब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम सिर्फ एक्स लेके ही बनाएंगे, हमें नेगेटिव वाला चर्चा नहीं करना है। हमारा जितना हमारे सिलेबस में है, या हम बोल सकते हैं जितना हमारे में है, उतना सिर्फ पॉजिटिव वाला लेके ही हम डील करेंगे। मतलब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा तो ये सिर्फ एक्स लेंगे, नेगेटिव वाला हम नहीं ले रहे, ठीक है। हालांकि ये दोनों ही होता है, ये आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो इसको ना एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हाँ ये एक्चुअल में होता क्या है, हम कैसे हो रहा है ये चीज। ये तो आपका कॉन्सेप्ट गया, अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगी हाँ चीज क्या होता है। तो ये पहला वाला चीज होता है स्क्वायर रूट ऑफ मोनोमियल, जो मैंने बोला द स्क्वायर रूट ऑफ मोनोमियल कैन बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द स्क्वायर। फिर से एक बार समझा दो। So, ये बेसिकली मैंने क्या बोला आपको, कोई भी जो स्क्वायर टर्म रहेगा ना आपका, कोई भी स्क्वायर टर्म, जैसे कि मैंने एक स्क्वायर लिया है आपको समझाने के लिए, ऐसा नहीं है कि एक स्क्वायर ही रहेगा, कुछ और टर्म का भी स्क्वायर रह सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लेते कि 81 दे दिया मैंने और इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोल रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर स्क्वायर रूट मतलब ऐसे लिखेंगे हम, तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो मैं तो इसको ऐसे लिखता हूँ ना 9 स्क्वायर, और या तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि हाँ सर माइनस नाइन को माइनस नाइन से मल्टीप्लाई करने से भी तो 81 आता है, तो अगर रूट ऑफ 81 करूंगा तो मैं ये वाला तो 9 आ रहा है और ये वाला माइनस नाइन भी तो मैं लिख सकता हूँ, तो दोनों इक्वल है क्या, नहीं। तो हम हमारा जो डिस्कशन है उसमें से क्या करेंगे, ये पॉजिटिव वाला लेके डील करेंगे, और ये रूट ऑफ टर्म के साथ ये स्क्वायर टर्म ऑलवेज कैंसिल आउट होता है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट होकर राइट बन जा रहा है आपका आंसर, मतलब रूट ऑफ 81 जो आएगा आपका वो आएगा 9। बात समझ आया बेटा आप? जो कि मोनोमियल में हम देखने पा रहे हैं। चलो देखते हैं पहला वाला जो दिया है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1 to 96 b to the power 4, मतलब आपको स्क्वायर रूट निकालना है इस टर्म का, तो इस टर्म का स्क्वायर रूट को लिखेंगे कैसे। मैं बोलूंगा सर लिखूंगा इसका अंडर रूट के अंदर 1, मतलब रूट के अंदर मैं लिखूंगा 1 to 96 b to the power 4। हाँ यार बोलो। अब मुझे पता ये है कि ऐसा कौन सा टर्म है जिसको क्या करेंगे, जिसको उसी टर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 to 96 आ रहा है, मतलब मुझे इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है पहले 1 to 96 का। तो ये साइड में ग्राफ में कर लेंगे कि 1 to 96 का क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट, कैसे करेंगे, राइट हैंड साइड से पेयर लेते हैं, जानते हो ना आप लोग ये वाला डिवीजन वाला मेथड, स्क्वायर रूट। यस सर। पहले हम 3 लेंगे, तो 3 3 9 होता है, 4 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 4 4 16 जो कि ज्यादा हो जा रहा है, तो मुझे ये पहला वाला पेयर का या तो इक्वल या तो उससे थोड़ा छोटा वाला कोई टर्म लेना होता है, और जो टर्म इधर लेंगे उस टर्म के साथ वही मल्टीप्लाई करके लेना होता है, नॉर्मल डिवीजन जैसा नहीं है कि आप एक बार 9 को लोगे फिर 6, तो ये तक तो समझ आ गया। फिर क्या करना पड़ता है, ये नंबर जो लिया है इसका डबल इधर लाना पड़ता है जो कि 6 हो जाता है 3 का, एंड 6 के पास कुछ भी नंबर लेना पड़ेगा और वही नंबर को टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करना, मतलब
मतलब सिक्स के पास अगर वन लूंगा तो इसको वन से मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको बैठाऊंगा, तो मुझे ऐसे देखना है कि इधर कौन सा नंबर बैठाने से ये 396 के आसपास हो जाएगा। बोल सकते हैं सिक्स के पास क्या लेने से हो जाएगा ये तो सिक्स इधर लेंगे इधर भी सिक्स लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर सिक्स आ जाएगा और थ्री रहे सिक्स सिक्स 36 प्लस में थ्री आएगा तो ये आपका कितना बनेगा 39 इधर सिक्स लेंगे तो इधर भी आपको सिक्स बैठाना पड़ेगा एंड ये बनेगा आपका एक्चुअल आंसर ना कि ये। तो आप बोलोगे सर रूट ऑफ 1 to 9 आपका बन जा रहा है 36 और b टू द पावर 4 लिखा है, मतलब ये कौन से नंबर का स्क्वायर है बी स्क्वायर का। तो मुझे एक्चुअली लिखना था क्या 36 b स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट में था, ये चीज एक्चुअल में लिखना था और ये रूट ऑफ के साथ स्क्वायर कैंसिल आउट होके एक्चुअल आंसर आएगा 36 b स्क्वायर। मैं लिख सकता हूं नीचे कि स्क्वायर रूट ऑफ 1296 b टू द पावर 4 इज 36 b स्क्वायर। समझ आया कि नहीं बेटा? Yes, sir. तो इससे समझ के आ रहा है कि आपको कुछ भी टर्म जो दिया रहेगा ना उसको ऐसा कोई एक्सप्रेशंस के स्क्वायर में ले जाओ और स्क्वायर में लेने के बाद मुझे आंसर दिखेगा। क्यों? कि स्क्वायर में ले जाएंगे तो स्क्वायर वाला टर्म और रूट ऑफ वाला टर्म कैंसिल आउट होते जो एक्चुअल टर्म होता है मतलब जिस टर्म का स्क्वायर लिख रहे हैं वो वाला आएगा आंसर। जैसे कि इस केस में 36 बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख रहे थे तो आंसर आ जा रहा है 36 बी स्क्वायर, तो स्क्वायर के साथ रूट ओवर कैंसिल आउट हो जा रहा है। सो दैट्स द आंसर। यस यस सर। चलो ये वाला तो सिंगल टर्म था, दूसरा वाला देखो ये बोल क्या रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 81 बी स्क्वायर ए टू द पावर 4 बाय 36 ए स्क्वायर बाय टू द पावर 6। तो स्क्वायर रूट निकालना है मतलब अंडर रूट के अंदर लिख देंगे, ये क्या लिखेंगे 81 तो इसको लिखेंगे 9 बी स्क्वायर को लिखेंगे सिर्फ बी और ए टू द पावर 4 को लिखेंगे ए स्क्वायर, ये टोटल टर्म का होल स्क्वायर लिख देंगे ना। दोनों ही में क्या होगा ये रूट ओवर के साथ ये वाला स्क्वायर ये वाला स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो रहेगा क्या ऊपर में सिर्फ 9 बी ए स्क्वायर बाई 6 एक्स वाई। आप बोल सकते हो यही आंसर आएगा या तो आप बोल सकते हो इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो थोड़ा छोटा कर सकते हो कि 3 से 9 आएगा ये 2 का 6 तो इट विल बी 3 ए स्क्वायर बी अपॉन 2 एक्स वाई एंड दैट इज द आंसर। सो मैं बोलूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 81 वी स्क्वायर ए टू द पावर 4 अपॉन 36 x squared y to the power c equals to 3 a squared b upon 2 x y cube। बात समझ आ रहा है मेरा? Yes sir। Yes sir। आप समझ गए? Yes sir। बहुत कुछ मतलब ये इतना हार्ड कुछ नहीं पर फिर भी अगर किसी को दिक्कत आ रहा है तो बेटा आप पूछो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ अगर किसी को दिक्कत आ रहा है तो ठीक है। कुछ भी दिया जाएगा ना सिर्फ मोनोमियल के नहीं बाद में जब देखोगे ना कुछ और एक्सप्रेशंस बड़ा बड़ा एक्सप्रेशंस लिखेंगे जब इसमें ही है आज ही है तो उसमें भी देखना है आपको जो एक्सप्रेशन दिया जाएगा उसको किसी ना किसी एक्सप्रेशंस के स्क्वायर में लाना पड़ेगा चाहे आप नॉर्मल करो या और उसी को उस चीज को स्क्वायर वाला जो है उसको आप रूट ओवर के साथ कैंसिल कर दोगे बात खत्म ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Chal. Yes, sir.
इसके बाद जो आ रहा है आपका मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अदर देन मोनोमियल्स, मतलब मोनोमियल्स को छोड़ के जो बाकी मेथड्स मतलब बाकी एक्सप्रेशन है, इसके कोई भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, उसको हम कैसे डील करेंगे। तो बेसिकली जो हम देखेंगे आज का ये दो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन एंड मेथड ऑफ प्राइस। चलो देखते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जो स्क्वायर रूट द एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, इसको क्या करना पड़ता है, एलजेब्रिक आइडेंटिटीज या जो हम जानते हैं नॉर्मल फॉर्मूलाज, उसके तहत हम इसको ब्रेक करेंगे। एलजेब्रिक मतलब क्या होता है, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। क्या बोल रहे हो, एलजेब्रिक आइडेंटिटीज, मतलब आप जानते हो, बट इसको आइडेंटिटी क्यों ही बोलते हैं। x plus y whole square equals to x square plus y square plus 2xy, आप जानते हो सभी। आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। बट अगर मैं बोलूंगा ना x plus y, सॉरी x plus y equals to 3, ये आपका एक इक्वेशन हो जा रहा था। Yes, sir. ये आइडेंटिटी है, बट ऐसा क्यों, दोनों में तो सेम है सर, इसमें भी इक्वल्स टू, इसमें भी इक्वल्स टू, एक को आइडेंटिटीज बोल रहे हो आप, दूसरे को इक्वेशन, ऐसा क्यों, इस दोनों में डिफरेंट क्या है, कोई बोल सर, क्योंकि एक फॉर्मूला है सर, इक्वल्स टू में आ रहा है, ठीक है, आप बोल रहे हो कि इक्वल्स में आ रहा है और ये बोल रहे हो दोनों में ही तो इक्वल्स टू है भाई। तो ये फॉर्मूला स्क्वायर पे आ रहे हैं, स्क्वायर पर है और ये पावर है इसकी और इसकी पावर नहीं। मैं इधर भी पावर लगा देता हूँ फिर, चलो आप देख सकते हो। तो बात ये नहीं है, आप अच्छे से समझो इस चीज को, ठीक है, बहुत अच्छे से समझो कि हाँ ये डिफरेंट कहाँ आ रहा है, मेजर डिफरेंस क्या है। आप ना ये वाला जो मैंने लिखा है ऊपर में x plus y का whole square equals to, जो भी लिखा है, आप x y का कोई भी वैल्यू मान लो, आप मन से मान लो, आप बोलोगे सर x का वैल्यू y लेना है, y का वैल्यू 2 लेना है, ले लो, लेफ्ट हैंड साइड बैठा हो, क्या आएगा 1 plus 2 का whole square, कितना आएगा बेटा 9 आ जाएगा, 9। बट यही वैल्यू उसको ना राइट में बैठा दो तो कितना आएगा, देखो 1 square plus 2 square plus 2 into 1 into 2, देखो 1 का square 1 आएगा, 2 का square 4 आएगा और ये वाला 4 आएगा जो कि 9। आप x and y का कोई भी वैल्यू बैठा दो ये इसमें, जो कि आइडेंटिटीज बोल रहा हूँ, ये दोनों ही साइड इक्वल आएगा। आप एक जगह का 1 2 छोड़ के कुछ भी बैठा हो, अपने मन से बैठा हो, 100 बैठा हो, 200, जो भी मन चाहे, दोनों साइड का सेम ही सेम आंसर आएगा। बट इन प्लेस ऑफ इक्वेशन ऐसा नहीं होगा, आप x की जगह पर कोई भी वैल्यू बैठा दो, 2 बैठा दो और y के जगह पर 3 बैठा दो, 3 plus 2 5 आ जाएगा, राइट में 3 है, हो जा रहा है क्या, नहीं आएगा। इक्वेशन पर्टिकुलर कुछ ही वैल्यू से तो, जैसे कि आप बोलोगे x का वैल्यू अगर मैं 1 लूं, y का वैल्यू अगर 2 लूं तो ये सेटिस्फाई करेगा, या तो अगर x का वैल्यू मैं 0 लूं, y का वैल्यू मैं 3 लूं तो सेटिस्फाई करेगा। तो पर्टिकुलर कुछ ही पेयर्स के लिए ये सेटिस्फाई है, ऐसा नहीं कि आप x एंड y का कुछ भी वैल्यू बैठाओगे वो सेटिस्फाई कर जाएगा, वो सेटिस्फाई नहीं करता है। yes, मुझे कि एलजेब्रिक yes, ये फॉर्मूला ये तो मालूम है, और ये फॉर्मूलास कोई भी वैल्यूज के लिए, एक्स वाई के कोई भी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करता है, बट जो इक्वेशन होता है ये पर्टिकुलर कुछ ही वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगा, हर एक वैल्यूज के लिए नहीं। दिस इज द मेजर डिफरेंस। तो इसको हम पहले वाले को बोलेंगे एलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ये आइडेंटिटी जो नाम है ये आपको याद रखना है, आइडेंटिटीज, फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं बोल रहा है, फॉर्मूला तो मालूम है, एक बार फिर से समझा दो, ठीक है। तो चीज क्या बोला मैंने, समराइज करो इस चीज को, तो आपका जितना भी एलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक्स एंड वाई के वैल्यू या जो भी वेरिएबल्स है उसका कोई भी वैल्यू आप बैठा हो वो सेटिस्फाई करेगा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, बट इक्वेशन में ऐसा नहीं करेगा। सर एक बार फिर से। अच्छा ठीक है, और एक बार फिर से बोल, चलो। तो बेसिकली आपको करना क्या है, एक्स एंड वाई आप जो देख रहे हो ना दोनों में ही तो एक्स वाई है, बट एक को हम आइडेंटिटी बोल रहे हैं, दूसरे को मैं बोल रहा हूँ क्या, इक्वेशन। तो आइडेंटिटी में कितना क्या होता है कि एक्स वाई या जो भी वेरिएबल्स रहता है इसका क्या होता है, कुछ भी वैल्यूज आप बैठा दो दोनों ही साइड इक्वल है। बट अगर मैं इक्वेशन का बात बोलूं तो पर्टिकुलर कुछ ही वैल्यूज के लिए होगा, वेरिएबल्स जो रहता है, मान लो और एक मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ x plus 2 equals to 5, आप x का कोई भी वैल्यू बैठा होगा तो सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा, एक का सिर्फ एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा जो कि आपका 3 है। अब 3 छोड़ के कोई भी वैल्यू बैठा हो इसमें सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, मैं बैठाऊंगा x का वैल्यू 1, तो देखो 1 plus 2 आएगा 3, राइट हैंड में 5 है तो दो इक्वल ही नहीं हो रहा है,
बट अगर इसमें आप एक्स वाई जो कुछ भी बैठा दो राइट में वही एक्स वाई बैठा दो तो नहीं सेम आएगा, तो दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी, दूसरा वाला इक्वेशन। तो आई होप आपको समझ आया। तो यही सब आइडेंटिटीज को यूज करके हम क्या करेंगे, ये वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म। और मैंने अभी अभी क्या बोला कि आपको कोई भी टर्म का जो स्क्वायर रूट दिया रहेगा, मतलब स्क्वायर रूट निकालना रहेगा, पहले उस एक्सप्रेशन को किसी ना किसी टर्म के स्क्वायर में कन्वर्ट करना, फिर जाके उसका स्क्वायर रूट आएगा। क्योंकि स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो पावर में जो स्क्वायर रहता है उसके साथ रूट ओवर कैंसिल हो जाता है और वो जिस टर्म का स्क्वायर था वही आंसर बन जाता है। तो इसको मैं स्क्वायर बनाने का कोशिश करता हूँ पहले। तो अब अच्छे से देखो कि इसको मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर को लिखूंगा एक्स स्क्वायर, 36 एक्स वाई को लिख दूंगा 6 वाई का होल स्क्वायर। लिख सकता हूँ ना इसे? देखो ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वाई, ये टोटल को आप मन में वाई पकड़ लोगे तो टू इंटू एक्स इंटू वाई और इधर वाई का होल स्क्वायर, ये कौन सा आइडेंटिटी का फॉर्मूला है? अगर मैं अभी बोलूं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 36y स्क्वायर, आप डायरेक्ट लिखोगे अंडर रूट एक्स प्लस 6y का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर आपका आंसर आ जाएगा एक्स प्लस 6y। बस यही था। तो यही चीज आपको पहले याद रखना है, कोई भी चीज का स्क्वायर रूट जब निकालने जाएंगे ना हम, तो उस एक्सप्रेशन को मुझे एनी हाउ क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी टर्म का स्क्वायर में रखना पड़ेगा। स्क्वायर करेंगे तो उसको अगर यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी कर सकते हैं या कुछ और तरीके से भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड जो कि बाद में देखेंगे उस मेथड से भी हम बना सकते हैं। बात समझ आ रहा है मेरा? अब आ रहा है आपका मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अगर आप गौर से देखोगे ना इस प्रॉब्लम को, इसको भी सेम ही करना है। ये टोटल जो एक्सप्रेशन है इतना बड़ा वाला एक्सप्रेशन, इसको ना आपको क्या करना है, पहले फैक्टर करना है। आप स्क्वायर रूट भूल जाओ, पहले आपको फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज करना मैंने सिखाया है आपको, तो मैं जब क्लासरूम का मैं सबको बोला था पहले दिन भी कि आपके सामने पेन एंड पेपर जरूर रखना, क्योंकि मैं बीच बीच में हो सकता है आपसे भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग ये जो देख रहे हो इधर तीनों अलग अलग टर्म है, ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो आप पहले इसको ना क्या करोगे फैक्टराइज करके मुझे बोलो कि सर ये आ रहा है और या ऐसे कर सकते हैं। आप थोड़ा ट्राई करके मुझे बोलोगे कि ये ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है कि फैक्टराइज हम कैसे कर सकते। माइनस फाइव एक्स और माइनस थ्री एक्स आएंगे। कौन सा वाला बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 15। मतलब पहला वाला बोल रहे हो आप, राइट? यस सर। दूसरा वाला कैसे करेंगे? दूसरे में दूसरे में आएगा माइनस टेन एक्स एंड माइनस टेन एक्स माइनस वन एक्स। हाँ, टेन एक्स माइनस वन एक्स, ठीक है। एंड तीसरे वाले में माइनस फोर एक्स माइनस थ्री। तो चलो फिर इसे बनाते हैं। यस। तो ये कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स और इस 15, मतलब 5x माइनस 3x प्लस में 15 है। दूसरा है 2x स्क्वायर, इसको एक्चुअली 2 इनटू 5 करके बनाना पड़ता है जो कि 10। तो ये 10x माइनस एक्स प्लस 5 माइनस, और ये 3 इनटू 2 करेंगे तो 6, तो इसको 6 से करना होगा। तो 2x स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स माइनस वन प्लस थ्री, ठीक है।
इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? अब देखो इधर से x-5 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 x-3 पहले में से x-5 कॉमन लेंगे तो ये x और इधर से माइनस थ्री मतलब x-3 दूसरे वाले में अगर x-5 कॉमन लेंगे तो इधर से 2x और इधर से 2x-1 x-3 कॉमन लेंगे तो इधर से 2x-1 अगर गौर से देखोगे ना सब टर्म दो दो कर रहा है x-5 x-5 तो बट मैं इनमें से क्या देख रहा हूँ जो स्क्वायर रूट निकालना था तो मैंने इस टोटल एक टर्म का स्क्वायर में ही लिख दिया इसको मैं लिखूंगा अभी कि x-5 x-3 2x-1 टोटल का होल स्क्वायर और अभी इजीली मैं बोल सकता हूँ इधर से कि भाई स्क्वायर रूट क्या बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ चलो दिस टर्म लिख देते हैं बहुत बड़ा टर्म इक्वल्स टू क्या बनेगा ये रूट ओवर के साथ स्क्वायर कैंसिल आउट होके सिर्फ x-5 x-3 x-1 2x-1 ठीक है आपका मुद्दा क्या है आप कभी भी स्क्वायर रूट निकालने जाओ चाहे आप मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन लगा लो चाहे आप एल्जेब्रिक आइडियलिटीज का फॉर्मूला लगा लो चाहे फैक्टराइजेशन मेथड लगा लो आपका मुद्दा वही है कि जो आप एक्सप्रेशन ले रहे हो भाई वो वाला एक्सप्रेशन का आप क्या करोगे किसी भी टर्म के स्क्वायर में रिप्रेजेंट करोगे क्योंकि स्क्वायर में रिप्रेजेंट करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है क्योंकि स्क्वायर के साथ रूट ओवर वाला टर्म कैंसिल हो जाता है तो इसलिए हम इसको इजीली बोल सकते हैं सर कि हाँ ये वाला मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ फिर मुझे उतना ज्यादा सोचने की बात नहीं है मैं फैक्टराइज मेथड भी यूज कर सकता हूँ बात समझ आ रहा है बड़ी प्रॉब्लम दे रहा हूँ आप थोड़ा सॉल्व करो देखते हैं इसको इसका स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा ट्राई करो सोचने का बहुत इजी प्रॉब्लम है दिखने में जितना लग रहा है उतना कुछ है हमने खुद निकाला है सर इसका हाँ बेटा आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ टोटल फाइन स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म कोई मुझे ये बोल सकता है कि अगर मैं रूट ओवर टू को रूट ओवर टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा आप लोग ये बना सकते बस इतना ही चाहिए कंसेप्ट इतना कंसेप्ट चाहिए जानते हो तो सफिशियंट है क्वेश्चन बढ़ा गया थोड़ा सोचो एंड बोलो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 5 को फिर से बोलो बेटा 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 5 तो क्या आएगा
इसको मुझे करना क्या है, पहले किसी ना किसी टर्म के होल स्क्वायर में लाना है, तो मुझे ये कोशिश करना है इसको मैं किसी ना किसी टर्म के होल स्क्वायर में लाऊं। यस राइट, तो वो कैसे होगा? सर इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर क्या आएगा बेटा, डिवाइड करने से तो कुछ नहीं होगा, और आप किसी भी टर्म को डायरेक्ट डिवाइड भी तो नहीं कर सकते हो ना, अगर डिवाइड करोगे तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि इक्वालिटी आपको रखना है। ठीक है, तो देखो मैं दिखा रहा हूँ, बहुत इजी चीज है, बट ये रूट ओवर देखिए ना आपको, मैं थोड़ा टैग से हटा दे रहा हूँ, बस कुछ नहीं है, आपको लिखना क्या है, आप एक्स को लिख सकते हो ना रूट एक्स का होल स्क्वायर। यस सर, फाइव को लिख सकते हो ना रूट फाइव का होल स्क्वायर, और टू रूट फाइव एक्स को लिख सकते हो ना टू रूट फाइव इनटू बड़ा बड़ा। अब कुछ रहा प्रॉब्लम, कुछ रहा प्रॉब्लम, क्या होगा, क्या होगा, एक्स प्लस एक्स प्लस फाइव प्लस, तो ये रूट एक्स प्लस फाइव। तो अगर मैं बोलूं तो स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, हां तो स्क्वायर रूट का एक्स प्लस फाइव प्लस टू रूट बड़ा बड़ा फाइव एक्स आएगा, अंडर रूट अगर लिखोगे आप, अंडर रूट से भी लिख सकते हो रूट ऑफ ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ ऑफ फाइव का होल स्क्वायर, बट ये रूट और स्क्वायर हट के आंसर आपका आएगा सिर्फ रूट एक्स प्लस रूट फाइव। बात समझ आया? दिखने में ही लग रहा था ऐसा कुछ, कुछ नहीं था, हलवा क्वेश्चन था, एकदम हलवा क्वेश्चन था, बहुत इजी चीज था, मतलब सोचना है इस चीज से लेकर, हाँ इसको स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हर वक्त ऐसा नहीं दिखेगा कि आपका इधर स्क्वायर दिया है, ऐसा नहीं हो सकता है, हर वक्त नहीं भी हो सकता है, आपको खुद से स्क्वायर लाना पड़ जाए, जैसे कि मैंने लाया, रूट ओवर बैठा है और स्क्वायर ला दिया। ठीक है, अब आपका आ रहा है क्विज का मतलब होता है कि आपको सॉल्व करना है। तो देखो एक्स का वैल्यू दिया है, आपको निकालना है, निकालना है एक्स का वैल्यू, तो आप लोग बोलोगे कैसे कैसे करें, बहुत इजी प्रॉब्लम है ये, आप खुद से कर भी सकते। पहले एक्स को फाइंड करना, मतलब अब एक चीज देखो, इसमें एक्स को फाइंड करने मत बैठ जाना, क्योंकि देखो एक्स का वैल्यू दिया है ये वाला टर्म, बट मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो अगर मैं बोथ साइड मतलब ये अगर एक्स का वैल्यू है तो अगर स्क्वायर कर दूं इसको तो ये रूट ओवर हट जाएगा ना, मतलब मैं लिख सकता हूं ना एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 1 टू 5 a टू द पावर 6 b टू द पावर 4 c स्क्वायर अपॉन 5 a टू द पावर 4। हां बेटा बोलो, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया और मुझे चाहिए क्या एक्स स्क्वायर बाई एबीसी, तो इसको डिवाइड कर दो अभी एबीसी और नीचे लाओ एबीसी और इसको कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है, बस आंसर निकल गया, आप बोलो कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करो। बी ए की पावर फाइव बेटा 3 भी तो नहीं आएगा ना, इधर ए 4 है और इधर तो सिर्फ ए आएगा, क्योंकि ऊपर में क्या हो जा रहा है ए टू द पावर 6 हो जा रहा है ना, और नीचे ए टू द पावर 4 इंटू ए टू द पावर 5 हो जा रहा है, मतलब सिर्फ एक रहेगा ऊपर, बात समझ आ रहा है? यस सेम तरीके से इधर से बी स्क्वायर और इधर एक बी है तो बी क्यूब और इधर बी स्क्वायर, यस सर, इसके बाद क्या आएगा, सी फाइव
फाइव तो होगा नहीं मेरा, फाइव के साथ तो ऑलरेडी कर दिया ना, फाइव को सर 125 प्लस 25 सिर्फ सी सिर्फ सी, तो दिस इज द आंसर। इसको समझ नहीं आया भाई, सर एक बार समझा दो सबसे, सर एक बार फिर से समझा दो, मेरा और एक बार कर ही देता। आप एक स्क्वायर निकालने गए, हम एक स्क्वायर मेरा आ गया सर 125 ए टू द पावर सी, जो देखो एक्स का वैल्यू अगर ये आएगा तो बोथ साइड अगर स्क्वायर कर देंगे ना तो ये रूट ओवर हट जाएगा, तो ये अंदर वाला टर्म ही एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो ए टू द पावर 6 बी टू द पावर 4 सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना था 5 ए टू द पावर 4। बट मुझे चाहिए था क्या एक्स स्क्वायर बाय ए बी सी, तो मैं नीचे ना इसे ए बी सी से डिवाइड करता हूँ, तो इधर भी तो ए बी सी से डिवाइड ही करना है मुझे। फिर देखो कि ए टू द पावर 6 है, इधर ए टू द पावर 4 है और इधर एक ए है, मतलब ए टू द पावर 6 बाय ए टू द पावर 5 कितना होगा कैंसिल आउट हो? ए 1 सर ए इधर बी टू द पावर 4 आ जा रहा है, इधर बी टू द पावर के साथ एक बी है, मतलब बी कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा हो जाएगा, बाकी तो कुछ नहीं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ay x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर, बहुत इजी होता है ये सब, आप ट्राई करो इसको किसी ना किसी टर्म के स्क्वायर में लाने का, क्योंकि स्क्वायर रूट का फंडा ही वही रहता है, अरे बहुत इजीली बन गया। हाँ बेटा आपका आवाज नहीं आ रहा है बेटा अच्छे से, फिर से बोलो का होल स्क्वायर। अच्छा किस चीज का होल स्क्वायर आएगा? ax हाँ xy ax और xy बीच में क्या सिंबल आएगा सर? ax माइनस xy का होल स्क्वायर। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा कोई बोल रहा है कि सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है? स्क्रीन तो शो हो रहा है श्योर, नहीं तो आप लोग एक क्वेश्चन दे देते हैं राइट? यस सर। किसी को अगर कोई दिक्कत हो रहा है स्क्रीन शो में तो बेटा आप फिर से एक बार ज्वाइन कर लो, हो सकता है कि स्क्रीन फ्रीज हो जाता है कभी कभी इंटरनेट इश्यूज की वजह से, तो हो सकता है आप एक फिर से एक बार ज्वाइन कर लो, फिर से नहीं हो रहा है तो मुझे बोल। तो ये बेसिकली मुझे दिख रहा है सर ax का होल स्क्वायर और ये मैं लिख दूंगा एक्स वाई का होल स्क्वायर, मतलब ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाला टर्म तो आ गया, बीच में रहेगा 2xy, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू ax इंटू xy और इसको मल्टीप्लाई करने से यही आ रहा है, देखो 2a x into x x square और y, मतलब मेरा ये एक्चुअल में a square minus 2ab plus b square, या तो बोल सकते x square minus 2xy plus y square, जो कि होता है मेरा a minus y का होल स्क्वायर, तो ये वाला फैक्टराइज में आ गया, तो मैं बोलूंगा स्क्वायर रूट क्या आएगा फिर बोलो? और आप इधर से एक्स कॉमन भी लोगे तो ये ए माइनस वाई, इसको भी ऐसे लिख सकते। चलो बस ये वाला भी आप लोग करोगे, क्योंकि क्विज का मतलब ही होता है आप लोग को करना, ये टोटल आप लोग करके ना मुझे डायरेक्ट आंसर बोलना, मैं बीच में नहीं सुनूंगा कि सर इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते, आप खुद से ब्रेक करो आंसर निकालो, मुझे आंसर बोलना लास्ट में जिसका हो जाएगा, धीरे से करो कोई गड़बड़ी की जरूरत नहीं, धीरे से करो बस सही करो, गलत मत करना, ठीक बनाओ।
सर मेरा हो गया सर डन। बोलो बेटा कितना है आंसर आपका सर x+2, x+3, x+4 एग्जैक्टली यही आएगा आपका एक्चुअल राइट आंसर। और किसी का सर यही आया आप में से कोई बोलो इसको क्या करेंगे कोई एक पहला वाला टर्म लिए बोलो कि कैसे करेंगे कोई एक बोलो सब यही ठीक है बहुत मतलब अगर 8 को ब्रेक करेंगे तो 4 एंड 2 से ब्रेक करेंगे तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा मेरा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस x और इधर से मुझे क्या मिल जाएगा अगर x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 और इधर से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 बेसिकली x प्लस 2 इंटू x प्लस 4 आ जाएगा राइट। सेम तरीके से अगर दूसरा वाला करेंगे तो कैसे करेंगे x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x स्क्वायर प्लस बोलो बोलो x स्क्वायर प्लस 2x 6x माइनस 1x प्लस 6 अच्छा नहीं बेटा 6 स्क्वायर माइनस 6 वाला से नहीं बजा यही आप सर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 आप देखो इसमें ना दो चीजें मैं दोनों ही दिखा देता हूँ कि क्यों नहीं बनेगा एक से दूसरे से क्यों बनेगा। एक बोल रहे होते कि x स्क्वायर दिया क्या था x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इसको आप एक बोल रहे हो कि मैं बनाऊं सर x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x प्लस 6 क्योंकि ये वाला से बनना चाहिए क्योंकि 6x माइनस x तो सर 5 आएगा और 6 * 1 करने से तो सर 6 आएगा बट इसमें से ना आप बना ही नहीं पाओगे क्यों देखो इधर से अगर x कॉमन लोगे तो इट विल बी x प्लस 6 और इधर से माइनस 1 कॉमन लोगे तो x माइनस 6 बन जा रहा है और इन दोनों में से आप कॉमन नहीं ले पाओगे प्रॉब्लम यही अटक जाएगा तो ये नहीं कर पाओगे। आपको करना क्या है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इसको लेना है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्योंकि ये दोनों ही प्लस है तो आपको बीच में भी प्लस वाला ही रिलेशन लेना होगा तो 3x प्लस 2x प्लस 6 तो ये बनेगा x कॉमन लोगे तो x प्लस 3 और इधर से अगर 2 कॉमन लोगे तो इधर x प्लस 3 एंड आप देख पा रहे हो दोनों में x प्लस 3 कॉमन तो इट विल बी x प्लस 2 इनटू x प्लस 3 और लास्ट वाला कितना है x प्लस तो ये बना इजीली बनेगा x स्क्वायर प्लस 4x + 3 और x प्लस 4 आ जाएगा राइट। फाइनली आप देख पा रहे हो क्या आ जा रहा है मेरा एक्चुअली फैक्टराइजेशन में कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्योंकि देखो x प्लस 2 इधर एक आ जाएगा इधर एक आ जाएगा x प्लस 3 इधर एक तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर ये फैक्टराइजेशन में और अगर रूट करेंगे रूट ओवर करेंगे तो ये वाला स्क्वायर हट जाएगा तो मैं बोल सकता हूँ सर कि स्क्वायर टू तो आपको ऐसे सोचना है मतलब मुद्दा ये रहा आज का जो सेशन है कि आपको कुछ भी एक्सप्रेशन को दिया रहेगा जिसका स्क्वायर रूट निकालना है आप किसी भी तरीके से उसको एक ऐसे टर्म का स्क्वायर में ले जाओ क्योंकि वो स्क्वायर के साथ बाद में रूट ओवर कैंसिल और चाहे इसको लिए आप फैक्टराइज मेथड यूज करो या आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करो वो बस यही था। इसके बाद होमवर्क है 2-3 होमवर्क जो कि रोज का रहता है ये आप कर लेना चार्ट दिया और इसके आंसर भी दिया है नहीं आ रहा है पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम में अटक जा रहे हो तो मेरे मुझे बोल सकते हो व्हाट्सएप कर सकते हो जो भी ठीक है। और बताओ बाकी चल रहा है बाकी
पढ़ाई वढ़ाई सब सही चल रहा है ना आपका? बायो का भी स्टार्ट हुआ? आई थिंक अभी बायो के टीचर जो है अभी वो आई थिंक मतलब बाकी सब्जेक्ट्स के टीचर जो है आई थिंक वो छुट्टी पे जाते हैं तो मे बी दैट इज द रीजन। तो कोई बात नहीं, मैं तो अभी क्लास लेता रहूंगा आपका।